पर फोन पे ऊपर बहुत ही कमाल का दूसरे पर अपडेट वगैरह आ चुका है। दूसरे पर फोन पे ऊपर तो अपने क्रेडिट कार्ड को लिंक वगैरह जो है पर कर सकते हो। दूसरा ये जो फीचर है फिलहाल के लिए दूसरा टेस्टिंग वर्जन चल रहा है, मतलब काफ़ी टाइम से टेस्टिंग वगैरह पर अभी शायद से सभी को जहाँ पर रोल आउट वगैरह कर दिया गया है। मतलब हर एक एंड्रॉइड यूजर को यहाँ पर दोस्तों फोन पे के ऊपर अब जो क्रेडिट कार्ड का लिंक करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने मिलता है। दोस्तों फिलहाल के दोस्तों यहाँ पर सिर्फ लिमिटेड बैंक से यहाँ पर आपको मिल जाए, जैसे ICICI है, एक्सिस है, फिर यहाँ पर HDFC है। यहाँ पर कितनी बैंक आपको मिलेगी, कैसे आप लिंक वगैरह कर सकते हो, पूरा कंप्लीट जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए दोस्तों फटाफट से आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम ऋषि और आप देख रहे हैं क्रिटर जी। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले आपका करना अपना फ़ोन पे ओपन कर लेना। तो मैं अपना फ़ोन पे ओपन कर लेता हूँ और फोन पे बंद करना। दोस्तों यहाँ पर आपको सब करना कुछ नहीं, यहाँ पर देखिए आपको क्रेडिट कार्ड लिंक करने का जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी प्रोफाइल वाले आइकॉन पर क्लिक करना है। आप जैसे दोस्तों यहाँ पर आइकॉन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी जो पेमेंट मेथड है सारी बैंक डिटेल वगैरह जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख जाती है। और दोस्तों यहाँ पर बड़ा ऊपर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा पेमेंट सेटिंग करके ऑप्शन। पेमेंट सेटिंग में दोस्तों यहाँ पर अभी जो एक नया फीचर ऐड किया गया तो यहाँ पर क्या है, लिंक रुपए क्रेडिट कार्ड और UPI। दोस्तों अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड जो है और क्रेडिट कार्ड में दोस्तों यहाँ पर आपको रुपये का एक आता है आपके पास मास्टर का आता है, एक वीज़ा होता है और एक होता है रुपये का। तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ रुपये का ही क्रेडिट कार्ड आप यहाँ पर ऐड वगैरह कर सकते हैं। अगर आपके पास मास्टर का है या पर आपके पास वीज़ा का तो यहाँ पर आप ऐड वगैरह नहीं कर सकते, सिर्फ यहाँ पर आप रुपये का ही क्रेडिट कार्ड को ऐड वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस इंटरफेस ऊपर होगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट योर रुपये क्रेडिट कार्ड विद इशू बैंक लिंक्ड विद मोबाइल नंबर, में अपना अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए तीन और तीन छः से सात बैंक यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाते हैं, जिसके एक्सिस बैंक है, कैनरा बैंक है, HDFC है, इंडियन बैंक है और पंजाब नेशनल और यहाँ पर यूनियन बैंक हमें दिख रही है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए इतनी ही बैंकों को यहाँ पर जो एक्सेस वगैरह दिया गया। अगर आपका दोस्तों इन बैंकों से किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड वगैरह है आपके पास रुपये का तो यहाँ पर आप इसको लिंक वगैरह कर सकते हैं। अगर आपके पास मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है किसी भी बैंक का तो यहाँ पर आप बिल्कुल ऐड वगैरह नहीं कर सकते। अगर दोस्तों ये छः बैंक के अंदर से आपके पास, जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक्सिस का क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पर दोस्तों मैं अपना लिंक वगैरह जो कर सकता हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। अभी फिलहाल के लिए दोस्तों मेरा HDFC का क्रेडिट कार्ड जो है इन ट्रांजिटिव बन के आने वाला है 14 दिन में, तो मुझे भी नहीं पता कि कौन सा है। तो यहाँ पर मैं आपको भी सिंपली एक एग्जाम्पल के बता रहा हूँ। तो मान लें HDFC जैसे मैं क्लिक करूँ दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हमारे प्रोसेसिंग थी वो शुरू वगैरह हो चुकी है। अगर दोस्तों मेरे जो मोबाइल नंबर से बैंक का किसी भी क्रेडिट कार्ड होगा रुपये का तो वहाँ पर ऑटोमेटिक जो है फैच वगैरह करके लिंक वगैरह हो जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों इनमें से मेरे पास किसी भी बैंक का जो है क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं है, तो कुछ भी यहाँ पर लिंक वगैरह नहीं होगा। मैं किसी के ऊपर भी क्लिक कर देता हूँ तो मेरा लिंक वगैरह यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर दोस्तों किसी भी बैंक का यहाँ पर जो है क्रेडिट कार्ड नहीं है यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए। अगर दोस्तों आपके पास जो रुपये का क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पर आप लिंक वगैरह बिल्कुल ईजी तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की सुनो तो इतना ही मिलता तो आपको वीडियो चलाए। दोस्तों अगर वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वंदे मातरम।